नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस विशेष कवरेज में। मैं बिहार के मधुबनी जिला में हूं और मधुबनी में आज माँ जानकी महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जगहों पर मनाया जा रहा है, लेकिन मैं मौजूद हूं नगर परिषद विवाह भवन, जहां पर मृत्युंजय झा माँ जानकी सेना व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मुख्य संरक्षक हैं, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं उनके द्वारा। वो लगातार यहाँ पर माँ जानकी महोत्सव मनाते रहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि विशेष कवरेज लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे झांकी लेकर आए हैं यहाँ सम्मानित किया गया है, सभी को यहाँ पर प्रोत्साहित किया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, राम लक्ष्मण सीता बने हुए हैं यहाँ पर। आइए आपको विशेष कवरेज दिखाते हैं, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जानकी नवमी मना रहे हैं आप लोग, क्या कहते हैं? देखिए, जानकी नवमी लगातार ये जानकी सेना के माध्यम से 8 वर्षों से मनाया जा रहा है। और विशेषतः यह एक अभियान इस प्रकार का है कि मिथिला एक अपने आप में अद्वितीय है। यहाँ सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से, हमारे धार्मिक जो स्थान है, ऐसे स्थलों के माध्यम से हम देश और दुनिया में विख्यात हैं। और आज वो धूल ग्रसित हो गया, आज वह पौराणिक जो विषय है वो विषय आज धूमिल हो गया है। आज की जो पीढ़ी है वो मिथिला के इतिहास के बारे में नहीं जानते, मिथिला के संस्कृति के बारे में नहीं जानती। और माता जानकी इस भूमि से जन्म लेने वाली हमारी देवी है, और उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। और यार, मुझे इतना खला और इसलिए जानकी सेना ने महाअभियान को लेकर चला है। आज लगभग 15-16 स्टेट में जानकी नवमी मनाया जाता है। हम लोगों ने लगातार इसके लिए अभियान चलाया, सीतामढ़ी से माता जानकी का रथ यात्रा चलाया, मिथिलांचल के कई गांव में वो यात्रा गुजर करके, और मिथिला के हर लोगों से अपील की गई कि जानकी नवमी भी रामनवमी की तरह धूमधाम से मनाइए। और चूंकि मिथिला की बेटी माता जानकी है, और इसके साथ ही हम लोगों ने आह्वान किया है कि जो जानकी नवमी की संध्या है, उस संध्या में हर एक व्यक्ति अपने घर में 5-5 दिया जला करके और जानकी जी का स्वागत करे। माता जानकी इस मिथिला के अंदर जितना उनकी शक्ति बढ़ेगा, जितना उनका जय जयकार होगा, मिथिला की जो विरासत है वो पुनः प्राप्त होगी। मिथिला फिर से देश और दुनिया में इसका नाम होगा। यहाँ से बेरोजगारी समाप्त होगी, यहाँ औद्योगिकरण होगा, यहाँ के लोग सुविचारित होंगे, यहाँ के जो धरातल है उसके अंदर जो कई प्रकार की कृतियाँ हैं वो उसके पुष्पित पुल्लवित होगी। इसलिए जानकी सेना का यह महाअभियान है, मिथिलांचल के लोगों को जागृत करना हमारा लक्ष्य है। और इसलिए मिथिलांचल के ऐसे 24 जिला जो मिथिला के क्षेत्र में पड़ता है, उनको धीरे धीरे उसके अंदर विकास करना, उसके अंदर जो आयाम है उसको डेवलप करना, और सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम दबाव देकर निश्चित रूप से मिथिलांचल के लिए विशेष पैकेज, विशेष व्यवस्था बनाना, मिथिलांचल में रोजगार सृजन करना, ऐसे कई अभियान जानकी सेना चला रही है। और मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जाकर के जनकपुर में माता जानकी की आरती की, सीतामढ़ी में स्वयं नीतीश कुमार जी ने करोड़ों रुपया देकर जानकी मंदिर निर्माण का काम शुरू करवाया। तो निश्चित रूप से जानकी सेना जिस अभियान को लेकर चली है, मुझे लगता है आने वाले समय में देश और दुनिया में जानकी सेना के माध्यम से भी और अन्य समाज के लोगों के माध्यम से भी जानकी मैया और मिथिला के बारे में गुणगान होगा। पूरे दुनिया और देश में रामनवमी की तरह जानकी नवमी भी धूमधाम से मनाया जाएगा। आगे आने वाले दिनों में मधुबनी में कोई बड़ा मंदिर आप लोग? देखिए, जानकी नवमी का, जानकी सेना का ये अभियान है, उसमें 18 जिलों के अंदर हम जानकी मंदिर बनाने वाले हैं। ये दुनिया के अंदर एक अलग प्रकार का ये जानकी मंदिर होगा, जिसमें प्रभु श्री राम तो नहीं होंगे, लेकिन जानकी, लव कुश, वाल्मीकि, हनुमान, ऐसे सभी दिखाई देंगे। क्योंकि जानकी मिथिला का धाम है, और मिथिला के अंदर जानकी जी के बारे में घर घर के लोग, एक एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जानकी मैया का स्तुति करें। हर एक घरों में जानकी का मंत्र हम लोग देने वाले हैं। निश्चित रूप से पूरे मिथिला के अंदर या 18 जिलों में जब भव्य जानकी मंदिर बनेगा, उसके माध्यम से हम सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से यहाँ के शक्ति को बढ़ाने के लिए जानकी सेना काम करेगी। और इस काम में हम सब लग गए हैं। यह सेना धीरे धीरे 15 जिला में हमारा संगठन उस प्रकार का खड़ा हो गया। ये सांस्कृतिक संगठन है, ये धार्मिक आंदोलन का संगठन है, ये मिथिलांचल को बढ़ाने वाला संगठन है। लोगों का साथ कैसा मिल रहा है इस काम में? लोगों का साथ कैसा मिल रहा है? देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे, इसमें कोई एक वर्ग नहीं, हम कहेंगे समाज के सभी वर्गों ने जमकर इसमें भाग लिया है। और जिस प्रकार का एक आभा जानकी सेना को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, मुझे खुशी आज मधुबनी के अंदर भी लगभग 7-8 स्थानों पर जानकी नवमी मनाया जा रहा है। मुझे खुशी है देश के अंदर में कई राज्यों में अलग अलग स्थानों पर लोग जानकी नवमी मना रहे हैं। तो मुझे लगता है न केवल मिथिला बल्कि देश के लोगों ने जानकी सेना के इस महाअभियान का समर्थन किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह जानकी जी का जो विषय है, जिस विषय को लेकर हम चल रहे हैं, निश्चित रूप से एक बड़ी लाइन खड़ा करने का काम जानकी सेना करेगी। मृत्युंजय झा, जानकी सेना मुख्य संरक्षक, बहुत बहुत धन्यवाद। भाव से या कुभाव से, कोनो भाव से जे माँ जानकी के नाम लेते हैं, निश्चित रूप से उनका कल्याण होते हैं। बस इतना ही है, अपन बात समाप्त करै छी। धन्यवाद।
हिरासत में आए बड़ों की प्रारंभ में माता हिरासत के बीच माता जानकी के स्वरूप में तो माता जानकी स्वयं उपस्थित है तय हमारा सबके लिए अभिभाग्य हमारा सौ गोटे के लिए धन्य धन भर रहा है जिसके जगह से झांकी आने संयोजक से आग्रह करो कि हाँ सर मिथिला धाम की विषय पर अभी झांकी के संयोजक मंच पर आ रही हो गया उतना हटा लो मोबाइल को